एंड अ वेरी गुड इवनिंग. कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन. जनाब आज का मैच जो कि मुल्तान वर्सेस लाहौर इस वक्त भी जारी है, आखिरी ओवर बाकी है और तकरीबन लाहौर इस मैच को ले चुका है मुल्तान से. और जिस तरह से मुल्तान ने आज आगाज़ किया था, इट डिड फील कि ऐसा नहीं होगा जब बैटिंग करने आएगी मुल्तान की टीम. बट खासा डिफेंसिव खेले, ऐसी क्या वजूहत थी ये जानेंगे. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे बातें करेंगे कि आज मुल्तान का हमें वो कलर नज़र नहीं आया जो हमें यूजली नज़र आता है. बट बिफोर आई गो टूवर्ड्स द कॉन्वर्सेशन ऑफ टुडेज मैच दैट व्हाट हैज़ हैपेंड, अभी आपको ये बताऊँ कि द ब्यूटीफुल ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग इज़ बाय गो डॉट स्नैप. आप भी शॉप करें, एंजॉय करें इनके ड्रेसेस को. एनीवेज कमिंग बैक टू द मैच, आज का मैच लाहौर से हमें तवक्कोआत थी, दे वर फेवरेट, बट मुल्तान इतना ज़्यादा बैकफुट पे नज़र आएगा मैंने नहीं सोचा था. देखिए लाहौर जो क्वेटा के अगेंस्ट जीता है ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन्हें मिल गया. एक तो स्पेशली बैटिंग में जिस तरह से वो वापस आए थे, फिर उन्हें 147 पे रोक लेना. मुल्तान मुझे आज मुल्तानी नज़र नहीं आई. एक तो आपने तकरीबन 12 एक्स्ट्रा गेंदें कराई, 11 वाइड बॉल की, एक नो बॉल, तो आप ऑलरेडी 14 रन एक्स्ट्रा दे दिया आपने और बॉलें भी उतनी एक्स्ट्रा कराई. हालांकि लाहौर आज अच्छा नहीं खेला ओवरऑल, आप देखें अब्दुल्ला शफीक ने 48 किए, उसके बाद सैम बिलिंग्स ने किए 54, लेकिन ये मेन स्कोर थे, बाकी इतना बड़ा कोई रन किसी और ने रन नहीं किए. फ़खर भी जल्दी आउट हो गए, ताहिर बेग भी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन 180 तक वो पहुंच गए. मुझे उसके बाद समझ ये नहीं आई कि आपने जो एक उसामा मीर वाली गलती की कि भाई क्या आपके पास राइली रूसो बैठे हुए हैं, आपके पास मिलर हैं, पोलार्ड हैं, उनके होते उनसे बड़ा कौन प्लेयर है जो इनको आप भेज रहे हैं. Yes, I agree. तो मेरी तो ये चीज़ समझ ही नहीं आई. लेकिन लाहौर अब वाकई देखना यही है कि लाहौर को अब कौन हराएगा. लाहौर अब इतनी अच्छी होती जा रही है, स्पेशली लाहौर में आप तसव्वुर ही नहीं कर रहे. आप सोचें ना कितने सुकून से वो चले ना चले. अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे और आपको तो ये पता था कि लाहौर इज़ गुड, ठीक है, लेकिन मुझे ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि मुल्तान अपना जो प्लेइंग स्टाइल है उसे चेंज करेंगे आज. आई मीन लाइक रन अ बॉल हैज़ नॉट बिन देयर स्टाइल. वन साइड रिजवान को तो हम जानते हैं, बट वाई शान वॉज अडॉप्टिंग दैट स्टाइल? वॉज ही अफ्रेड के इतना बड़ा यू नो बॉलिंग अटैक है ओवरऑल और मैं आउट हो जाऊँगा, मुझे रुकना है, मेरी विकेट ना गिर जाए, बिकॉज मुझे वो अंडर प्रेशर नज़र आया आज. देखिए शान थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं रिजवान से, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं डाल देते, कोई फ़खर जमान की तरह नहीं खेलते वो. लेकिन जिस तरह की बॉलिंग लाहौर की है ना, उस पर उतनी आज़ादी से खेलना आसान नहीं है, स्पेशली उस किस्म के प्लेयर्स के जो सीधे बल्ले से खेलते हैं, जो रिस्क ज़्यादा नहीं लेते, जिनका खेलने का जो स्टाइल है वो आप कह लें कि जी जो T20 का स्टाइल जिसे कहा जाता है उस तरह का नहीं है. सही. तो वहाँ पर जब अच्छी बॉलिंग हो तो आपको मुश्किलात होती हैं. और आप फिर वो यही हुआ कि फिर शान थोड़ा लंबा खेल गए, फिर आपके उसामा मीर आ गए, फिर रिजवान खेले, तो ये बाकी जो आपके पावर हिटर आप कह लें उनके पास टाइम नहीं था. फिर आपके बीच में राशिद भी आ जाते हैं, तो आसान नहीं होता किसी भी टीम के लिए. जो मुल्तान लास्ट टाइम जीत के करीब पहुंची थी, उसकी वजह ये थी कि बीच में राशिद के ओवर नहीं थे. अब आप लाहौर की बॉलिंग तो सोचें, आप शाहीन आ जाते हैं, शाहीन के साथ जमान शुरू करते हैं, फिर बीच में हारिस आ जाते हैं, दो ओवर डेविड वीजा करते हैं, फिर उसके साथ राशिद आ जाते हैं, राशिद के साथ दो ओवर सिकंदर रजा कर लेते हैं, फिर वापस शाहीन आ जाते हैं, और वो सारे तो बहुत ही तगड़ी बॉलिंग है. तो आपको 170-180 चेज़ करना उनके अगेंस्ट आसान नहीं है. एक ही चीज़ है कि जब अब लाहौर चेज़ करेगा तो उस वक्त देखें आप कैसा परफॉर्म करता है. तो लाहौर का ये तो है कि जी उनको ये पता है कि हमारी बैटिंग अगर 150 भी करके देगी, 170 भी, तो हमारे पास बॉलर ऐसे हैं कि जो फर्क डाल सकते हैं. डिड यू इफ यू हैड सीन द मैच फ्रॉम द बिगनिंग, जब टॉस हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी वन द टॉस एंड ही सेड दैट यू नो वी गो टू बैट फर्स्ट. लेकिन जब रिजवान से बात हो रही थी तो रिजवान ने ये बोला कि यू नो अगर मैं टॉस जीता तो मैं पहले बैट करता, बिकॉज मुझे चाहिए था कि मैं शाहीन शाह को बैट करने ना दूं ताकि उनका जो प्लान है वो कहीं डिस्टर्ब हो इस बात से. कैसे वो यही था ना, इस बार वो चाह रहे होंगे कि लाहौर चेस करे. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो आपने सोचा हुआ होता है और वो नहीं होता, तो आप कहीं उसी के साथ अटक जाते हैं. मुझे ऐसा लगा कि कहीं रिजवान टॉस हारे और उसके साथ उनको डिसीजन मेकिंग नहीं करने को मिली, एंड समवेयर इन देयर माइंड दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट द गेम.
नहीं सादिया, हो भी सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे जाके आप इतना ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा शाहीन का मैं भी लग रहा था कि शायद लाहौर अब चेज़ वाली तरफ जाए अब, क्योंकि प्लेऑफ में जब आप जाते हैं क्वालिफायर खेलते हैं तो उसमें आप कुछ भी हो सकता है, फिर आप फाइनल में भी अगर पहुँचते हैं तो उस वक्त आप ये सोचेंगे कि अगर हमें चेज़ करना पड़ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार वो अपनी जो जगह है ना वो मुस्तहकम कर लें, वो टॉप टू में आ जाए, फिर उसके बाद लाहौर बहुत से प्लेयर्स को भी रेस्ट कराएगा, नए खिलाड़ियों को भी लेके आएगा और साथ साथ ये सारे रिस्क लेगा। अभी आज वो 12 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो जब 12 14 पे आ गए तो समझ लें वो टॉप टू में आ गए, उसके बाद फिर वो बहुत से रिस्क लेंगे। तो एक बार मुझे लगता है कि वो उस पर स्ट्रेंथ पे खेलने के जी हम अपना जगह पूरी पक्की कर लें, अब वो प्ले ऑफ में आज आ गए, आज टॉप फोर में आ गए 12 पॉइंट्स के साथ। अब बहुत नीचे की टीमें जो 12 पॉइंट्स नहीं ले सकती, कोयटा भी मुश्किल नहीं ले सकती, पेशावर कोयटा और वो कराची तो नहीं ले सकते ना, या पेशावर के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कंपैरेटिवली अगर बाकी टीमों को देखें जिस तरह से खेले, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट से इट फॉर श्योर, लेकिन टॉप चार में लाहौर आ गया। राइट, एंड विद दैट आई हैव टू अनाउंस दैट लाहौर हैज वन द मैच, 21 रन से लाहौर ये वाला मैच जीतने में कामयाब हो गया है। ऑलरेडी टेबल टॉपर थे, अब उनके 12 पॉइंट्स हो गए हैं और इस तरह से कैन वी से दैट दे आर इनटू द प्लेऑफ्स? जी हां, सेफली बिल्कुल टॉप चार में आ गए हैं। जो अभी थोड़ा सा जश्न भी मना रहा था लाहौर वो इसी बात का था कि वो टॉप चार में आ गए हैं, अब उनका नेक्स्ट टारगेट ये है कि टॉप टू में आए या टॉप करें। राइट, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह वो खेल रहे हैं, अभी जो पिछले मैचेस वो खेले हैं, तो मुझे तो अब ये देखने की पहली टीम कौन सी बनेगी जो उन्हें हराएगी। अगर वो 140-150 डिफेंड कर सकते हैं अपनी इस बॉलिंग के साथ तो प्रॉबेबली 180 इज गुड इनफ फॉर देम, और ऑलरेडी शाहीन शाह अफरीदी ने सेफली कहा था कि 160-170 हमारे लिए इतना है, इतना हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए यू नो व्हेन वी कम टू बॉल लेटर हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा उसको डिफेंड करना। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी जब आज सवाल किया गया कि आपने पहले मैचेस के अंदर यू प्रेफर दैट यू वांटेड टू बॉल फर्स्ट बट नाउ आप प्रेफर कर रहे हो कि आपको बैट करना है, तो ही सेड पहले हमारे पास राशिद नहीं था, अब हमारे पास राशिद है, सो हमारा बॉलिंग अटैक और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है, सो वी नो कि हम कितना कंटेन कर सकते हैं, दैट इज़ वाई वी वॉन्ट टू बैट फर्स्ट एंड सी कि कितना ज़्यादा यू नो बना लेंगे दूसरी, मतलब क्या होता है और हमें कितना कंटेन कर सकती है दूसरी टीम है ना, एंड प्रॉबेबली ये स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त है कि यू नो योर स्ट्रेंथ एंड यू वॉन्ट टू गो विद दैट, आपको पहले से पता है पूरी टीम को कि भाई अगर टॉस हमारे हाथ में आता है तो कप्तान क्या करके आएगा एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखिए सादिया, आपने ना दोनों चीज़ों की तैयारी करनी है, आपने चीज भी करना है और आपने इस तरह से भी बोल, तो बॉलिंग का तो उनका बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, आने वाले मैचेस में मोस्ट प्रोबेबली वो चेस की तरफ जाएंगे और अगर वो भी चीज़ आ जाती है तो फिर बहुत आप फेवरेट हो जाते हैं पीएसएल जीतने के, तो वो अब उसी तरफ जा रहे हैं। एक उनका और तगड़ा मैच है अगेंस्ट इस्लामाबाद, कराची से वो हार के आए एंड मोस्ट प्रॉब्ली लाहौर में मैच है, जिस तरह लाहौर में उनको सपोर्ट मिल रही है एंड कराची लाहौर के मैच का इंतज़ार लाहौर में रहता है, तो वो एक ऐसा मैच है कि जिसमें उनकी कोशिश ज़रूर होगी कि वो फाइनल से पहले फाइनल की तरह का एक मैच होगा। डेफिनेटली, एंड आई वुड आई कैन ऑब्जर्व ओवर हियर इज कि आप उनकी बॉलिंग का तो कुछ नहीं कर सकते, दैट इज़ लाइक एन आउट क्लास जो गैंग है उनका बॉलर्स का उनके पास है, बट ऑन द अदर हैंड वट यू हैव टू प्लान इज कि आपने उनके बल्लेबाजों को कितनी जल्दी आउट कर सकते हैं सो दैट दे हैव वेरी लेस टू डिफेंड ऑन, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो आप उतना ही उनको दें जितना आपको पता है कि आप उसको बाद में नबेड़ लेंगे, तो वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए सादी, प्रॉब्लम ये हो रहा है आज भी आप उस करीब आ गए थे, आज मुल्तान ने बॉल ख़राब की, आप देखिए उनकी बैटिंग काफ़ी हद तक कोलैप्स किया है, कर गई थी 148 है 150 है, उसके साथ साथ कोयटा के अगेंस्ट भी था, कोयटा लाहौर का इस बार सबसे बड़ी बात यह कि लाहौर की बैटिंग जो है वो तकरीबन 8वें नंबर तक है, 8वें नंबर पर राशिद आते हैं, तो पहले के लाहौर की बैटिंग इतनी नीचे तक नहीं होती थी, फिर सिकंदर के आने से बड़ा फ़र्क पड़ गया है, हुसैन तलत बीच में आके थोड़ा बहुत रन कर जाते हैं, कामरान गुलाम वाला शुरू में उनके 3 मैचेस में जो रहा वो एक ऐसा वीक एरिया था, जैसे ही अब्दुल्ला आए तो बैटिंग बहुत बड़ी लगने लगी, मतलब ओपनर आउट होता है कोई मसला नहीं होता, नीचे अब्दुल्ला आ जाता है, अब्दुल्ला इज डूइंग हिज जॉब रेगुलर, मतलब एक तरह से वो 3 ओपनर के साथ खेल रहे हैं ना, अब्दुल्ला भी ओपनर है तो जैसे ही कोई आउट होता है तो अब्दुल्ला आके उसी तरह से खेलना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और मतलब बहुत बड़ा फर्क डाल रहे हैं। अब जब फखर आउट होता है आपको अब्दुल्ला पता है कि जी खड़े हैं वो रन कर देंगे, तो ये उनको बड़ी एक सपोर्ट मिल गई है जिसकी वजह से उनकी बैटिंग और स्ट्रांग हो गई है, फील्डिंग आप देख लें तो ओवरऑल लाहौर टॉप की तरफ जा रहा है। और भी अच्छी चीज़ है जो मुझे वहाँ के बैटिंग ऑर्डर में लाहौर के बैटिंग ऑर्डर में लगती है ये कि
जितने भी बल्लेबाज आते हैं अब ऊपर जितने भी आते हैं उनका जो स्ट्राइक है वो बहुत अच्छा है, वो हमें आज मुल्तान में कम लगा। हालांकि वी केप्ट ऑन सेइंग यू नो दैट मुल्तान हैज़ अ बेटर बैटिंग साइड, हैज़ अ बेटर बैटिंग साइड रिपीटेडली, मेरे ख्याल में मैंने 4 से 5 तो मैंने ही दफ़ा बोल दिया था ये बात। लेकिन आज मुझे इवन दो फ़खर आउट हो गए और वो कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं खेले, बट स्टिल आई फेल्ट के लाहौर हैड बेटर बैटिंग साइड इन अ वे कि वो एक तो 80 तक तो आपको लेकर चले गए ना, विद दैट वो आपको लेकर चले गए 180 तक, आप नहीं पहुँच पा रहे थे, आप शुरू से ही डरे हुए खेल रहे थे, तो वहाँ तो लाहौर अपने आप को दोनों साइड से बेटर प्रूव कर रहा है आज। और दूसरा आप देखिए शादी, स्ट्राइक रेट जो है ना रैली रूसो का 140 के करीब है, अब उसके होते हुए ओसामा मीर का मुझे कोई तुक समझ नहीं आई कि मतलब भाई ये बहुत क्या है, अच्छा, अप्रोच, बहुत अच्छा उसने किया क्या है ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है ना कि आपने कुछ देखा हो कि किसी बेसिस पे आपने ये किया हो, मुझे नहीं समझ आया कि भाई आपने क्या किया। अच्छा आप रैली रूसो को भेजते वो पहले सेट हो जाते, मिलर को भेज देते, पोलार्ड को भेज देते, तो मुझे ये लॉजिक बिल्कुल कतई तौर पे समझ में जो आया वो ये कि ये बिल्कुल वही स्टाइल है जो क्वेटा करता है, क्वेटा करते हैं ये, हमने ऐसे क्वेटा को अंडर प्रेशर खेलते हुए देखा है कि दे कीप ऑन सेंडिंग द प्लेयर हु इज़ नॉट फिट फॉर दैट जॉब और वो उसको ऊपर ला के भेज देते हैं, और मुझे लगता है ऐसा तभी करती है कोई भी टीम जब उसको लगता है कि यू नो इसका ओवर निकलवा दें, इसका ओवर निकलवा दें, एंड आई फेल्ट ओसामा वाज नॉट गुड फॉर दैट, और वो रूसो को उन्होंने शायद इसलिए पीछे घेर के रखा, मे बी आई एम रॉन्ग अबाउट इट, लेकिन मुझे लगा बहुत अंडर प्रेशर खेले वो। देखिए ओसामा मुझे लगता है वो चक्कर ये था कि राशिद को उन्होंने कहा कि जी ये राइट हैंडेड बैटर है और राशिद को ये प्रॉपर बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही है तो एक टेल एंडर या एक पिंच हिटर वो राशिद को कैसे मार लेगा, मतलब कोई लॉजिक होती है ना कि आप मतलब आप कहें कि जी रैली रूसो पोलार्ड और मिलर जो है वो नहीं मार सकते राशिद को, सामा भी मार के जाके छक्के मार देगा। सही, I don't understand, जब मैंने नाम सुने मेरी समझ ही नहीं कि हुआ क्या। हमने ये चीज कल शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी देखी थी, शाहीन देखे छह नीचे के नंबरों पे आया था, एक नंबर ऊपर आ गया ना, ऐसा नहीं हुआ था कि शाहीन 3 नंबर पे आ गया था जब अगेंस्ट क्वेटा, ये तो आप 3 नंबर मतलब आप किस नंबर पे खिला रहे हैं, और वो इतनी ज्यादा बॉलें खेल गए उस लिहाज से उतना रन नहीं कर पाए और प्रेशर बढ़ा दिया, रिजवान पे भी प्रेशर हो गया, फिर नीचे वाले जो है उन पे भी प्रेशर बढ़ गया, तो फिर मैच वहां से निकल गया था, फिर 10 ओवर में आपके 120 रन हो ना और आपके मेन पता है कि 8 ओवर जिनके मौजूद हैं वो कहाँ बनने देंगे, ये नहीं बनने देते, लाहौर बहुत आला गेंदें कर रहे हैं। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि लाहौर ने सबको आउट किया, दहशत फैला के रखी हुई है लाहौर कलंदर्स ने सारी टीमों के ऊपर। और मुझे लेना एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इस मैच के हवाले से, और भी बहुत कुछ बातें आपसे करनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगैन जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह आज लाहौर ने ये बता दिया कि दे आर बेटर ऑफ एंड डेफिनेटली दे आर, और अगर बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं दूसरी टीम की जाने से तो गलतियां हमें बहुत सारी नज़र आती हैं, एंड इट इज़ प्रॉबेबली जब आपकी टीम बहुत ज़्यादा सेट होती है और वो प्रेशर सेंड करने में कामयाब हो जाती है दूसरी टीम पर, तो फिर मेरे ख्याल में दूसरी टीम नेचुरली गलतियाँ करना शुरू हो जाती है, और शायद यही आज मुल्तान के साथ भी हुआ। हैविंग सेड दैट, आज बॉलिंग अटैक आपको कैसा लगा जो तरतीब थी मुल्तान सुल्तान की? अच्छा खुशदिल शाह को जो आज लेके आए थे मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने पहले ही ओवर में 17 रन दे दिए तो वो मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आया उनको लाने की, और खुशदिल एक पीएसएल में चल गए थे, इस बार पीएसएल में वो चल नहीं रहे, तो बॉलर प्रॉपर वो पार्ट टाइम बॉलर ही हैं, उस वक्त विकेट ने भी जो पिचेस थी उसने भी सपोर्ट किया, लेकिन अब वो उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही, तो वो भी एक मुल्तान को डिसएडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि खुशदिल जब मुल्तान अच्छा कर रही थी तो खुशदिल ने आउट कर रहे थे बीच में से आके, लेकिन खुशदिल अब उस तरह से आउट नहीं कर रहे, रन भी नहीं कर रहे, तो खुशदिल का भी पे भी प्रेशर, और मुल्तान पे भी एक ऐसा प्लेयर जो नीचे से रन कर जाता था आउट कर जाता था वो भी अच्छा नहीं कर रहा। अच्छा ऐसे मुझे ये कहना है कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, फोकस रहना, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मेरे ख्याल में यही किसी भी बड़े प्लेयर की जो बर्थ होती है ना वो ऐसे ही होती है। अब जैसे मैं एक बात करूँ, राशिद ने इतना T20 खेला है, आज उसको भी कोई बहुत ज़्यादा टर्न नहीं मिल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको मतलब, बट ही वॉज वर्किंग हार्ड, ही मतलब जो लेंथ थी, जो फोकस था उसका कि कहाँ मुझे हिट करना है, कहाँ मुझे गेंद करानी है, किस तरह से, ऑल दैट ही वॉज ब्रिलियंट, टू गुड। देखिए किसी भी T20 की सबसे जो बड़ी मांग जिन प्लेयर्स की है ना उनमें से एक है राशिद, और उसकी वजह यही है, आप बॉलिंग ले लें, बैटिंग ले लें, फील्डिंग ले लें,
वो 100% करता है। वो इसलिए नहीं कि किसी टीम के साथ है, उसे पता है कि मेरा नाम राशिद खान है और मैंने आगे इसी खेल में बाकी से ही उनका कंपटीशन है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कोई चांस नहीं देना है। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ऑफ सीजन में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका ये ब्रेड एंड बटर है और उन्होंने जिस जगह पे टॉप पे पहुंच गए अगली टीम उन पर सबसे ज़्यादा तैयारी करके आती है। right. क्योंकि राशिद हर सीजन में आप जो भी आप राशिद को कैसे खेलेंगे तो राशिद को भी उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार राशिद जिस तरह से खेलते चले गए तो बस जी अब कोई मसला नहीं है। हर सीजन के शुरू से पहले उस पर काम करते हैं, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। तो ये हमारे भी जो बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्हें सीखना पड़ेगा कि एक सीजन में अगर आप अच्छा कर गए तो इसका कतई मतलब नहीं है कि अब आप सुकून से बैठ जाएं। अब अगर आप टॉप पे आ गए तो आपको और ज्यादा मेहनत दरकार है। ये हमारे यहाँ ये भी सोच है, काम चलाओ सोच, काम चल रहा है, ठीक है हमारा हो रहा है, ये बहुत ज्यादा आपको नजर आएगी। एंड दैट विल ओनली कम विद द यंगस्टर्स जो कि आते ही धमाल मचा देंगे, फिर ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट वैनिश। अच्छा, इस पे मैं आपको बड़ी अच्छी एक बात याद आई है तो मैंने कहा आपसे कर दूं। वो होता ये है कि अक्सर आप पे किसी प्लेयर पे तनकीद होती है ना, तो वो सोशल मीडिया पे अपने फैंस या फिर मोस्ट प्रॉब्ली आपका ही कोई मीडिया में जान पहचान का आदमी होता है ना, उसके थ्रू उसका जवाब दे रहा होता है। अच्छा, ये मेरी नज़र में शुरुआत होती है आपके कमज़ोर होने की पहली। ट्रू। उसकी वजह ये होती है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि देखें जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ जुल्म, और आप देखें आप कुछ करें। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बॉलर हैं या बैटर हैं तो आपने अपने ऊपर से एक जो चैलेंज सामने वाला दे रहा है कि जी ये क्या कर सकता है। तो आप अगर बड़े प्लेयर हैं तो आप अपने बल्ले से और बॉल से जवाब देते हैं, लेकिन अगर आप मीडिया का और सोशल मीडिया पर किसी फैन का या रिश्तेदार का सहारा लेते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। वो जो हम जो अगर कोई बैठा हुआ तनकीद करेगा वो आप तो उसको शर्मिंदा कर सकते हैं बल्ले के थ्रू। अब आजम ने शर्मिंदा कर दिया ना, मैं अभी सिकंदर रजा ने शर्मिंदा कर दिया ना। तो ये अपने जहन में लाएं कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई तनकीद कर रहा है, तो उसे ग्राउंड में शर्मिंदा कर दें और उसके बाद कोई ऐसा काम भी ना करें, मुस्कुराते हुए चले जाएं, किसी को कुछ ना बोलें। अगर आपने ये एटीट्यूड आपके अंदर आ गया तो आप उस जिस राशिद की जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में रहेंगे। और अगर कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है तो सोचें क्यों हो रहा है। जरूरी नहीं है कि सारे आपके दुश्मन हैं या आपके आप उस शहर के या इस शहर के। हो सकता है बहुत से लोग आप पे इस वजह से तनकीद कर रहे हैं कि वो चीज की आप में कमी है, तो आप उसे बेहतर करेंगे, आप और बेहतर हो जाएंगे। राइट, मुझे लगता है कि एक तो जहाँ किसी भी प्लेयर की कामयाबी के लिए उसका रिजिलियंट होना कि वो निकल कर बाहर आए और अगर क्रिटिसिज्म आ रही है तो उसको हैंडल करे, अपने काम से उसको प्रूव करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो प्लेयर्स क्रिटिसिज्म को नहीं ले पाते या जो सोशल मीडिया पे जो भी लोग बातें कर रहे होते हैं, आई नो दैट गोज़ टू हार्श, लोग बहुत ज़्यादा हार्श भी हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपना फोकस वहाँ रखते नहीं है ना वो भी कामयाब है। नंबर ऑफ़ पीपल मुझे ऐसा लगता है जो जवाबदेही में शुरू हो जाते हैं कि जी वो आंसरेबल हैं किसी को, उनको बताना है कि जी वो कैसे बेटर हैं एंड ऑल दैट, मुझे ऐसा लगता है उनका फोकस वहीं पर हट जाता है। एंड दैट इज़ द पॉइंट, जो वो ब्रेकिंग पॉइंट जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ से फिर उनका ध्यान अपनी गेम की तरफ नहीं होता। और एज लॉन्ग एज आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसे बेहतर कैसे करेंगे? दैट इज़ वन रूल ऑफ गेटिंग बेटर मेरे ख्याल में। बट इसके साथ ही आज जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा मुल्तान के लिए वो ये कि पिछला जिस तरह का हमने लीग फाइनल देखा था, दो ही टीमें नजर आ रही थी ऑन द टॉप, इस्लामाबाद इज बेटर, बट ऐसा नहीं लग रहा था कि मुल्तान के आगे वो खड़ी हुई है। मुल्तान लाहौर हम बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से आज मुल्तान खेली है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद, मतलब शुरू से मुझे लग रहा था कि जो टॉपर होंगे ना वो मुल्तान और लाहौर ही होंगे, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा नहीं, इस्लामाबाद कैन डू देयर वर्क। बिल्कुल, अब तो जगह खाली हो रही है। मुल्तान ने आज जिस तरह से खेले हैं और इस्लामाबाद जिस फॉर्म में है, लेकिन देखिए इस्लामाबाद, मैं वही कह रहा हूँ कि उनको भी बॉलिंग जो है उनकी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, साथ साथ उनकी बैटिंग भी अब काफ़ी हद तक आज़म पे डिपेंड कर रही है। शादाब भी बीच में आके रन कर रहे होते थे, वो परफॉर्म रन नहीं कर रहे, जीत रहे हैं, हेल्स आ गए हैं, अब उन्होंने रन करने हैं। मंड्रो नहीं चल रहे, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है गुरबाज़ अगले मैच में आ जाए, तो उनकी भी टीम क्योंकि बैटिंग पे डिपेंड करती है। फहीम भी चल गए क्योंकि आजम चल रहे थे उनके साथ साथ, लेकिन उनके टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, जो आपने फिर देखा था लाहौर के अगेंस्ट क्या हुआ था, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा मुझे लगता है उनको बॉलिंग में
या तो वसीम जूनियर को वापस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि नए बॉल रोमान ने कर दिया, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हसन भी नए बॉल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरह से नहीं गेंद कर रहे, तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यस, यू आर राइट अबाउट इट। कल वैसे भी उनका क्वेटा से मैच है, उस पर भी हमें बात करनी है, एंड कहीं ना कहीं जब हम बात कर रहे थे फोकस प्लेयर की, तो मुझे आजम के लिए एक बात करनी थी, दैट आई विल कम बैक टू, लेकिन अभी आज के मैच की बात कर रहे हैं, तो आज की मैच रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वापस आएंगे एंड देन विल टॉक अबाउट मोर। तो जनाब, इस तरह से वो जीतने में कामयाब हो गए और फिर सेलिब्रेट भी किया, क्योंकि पता था कि वो तो प्लेऑफ्स में जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर के साथ कौन कौन इतना मजबूत आने वाला है प्लेऑफ्स में। एंड एज आई सेड कि इस्लामाबाद मुझे ज़्यादा तगड़ा लग रहा है आज की जो परफॉर्मेंस थी मुल्तान के बाद, बिकॉज मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि हमने देखा इस्लामाबाद आइदर दे विल जस्ट बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएगा उनका गेम, और अदरवाइज खेल रहे हैं तो शाइनिंग कलर्स के साथ, ब्राइट कलर्स के साथ आपको वो उड़ते हुए महसूस होंगे पूरे ग्राउंड के अंदर। और हर दफ़ा मेरे ख्याल में जब जीत होती है तो हम आज़म का नाम लेते हैं विद देम, बिकॉज इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैकबोन है आज़म, एंड इट इज़ उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, एंड इस्लामाबाद खुद भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। जब हम बात कर रहे थे यंग प्लेयर्स के फोकस होने की और जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना नाम PSL में आकर वहाँ से निकले और फिर ऑब्वियसली डोमेस्टिक खेलते आ रहे, लेकिन वहाँ से उन्हें नाम मिल गया, जितनी तनकीद आज़म के ऊपर हुई थी, मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगती है कि आसिफ बीइंग सीनियर, फहीम बीइंग सीनियर, वो आज़म को लेके नहीं चल रहे, आज़म बीइंग अ यंग प्लेयर इतने क्रिटिसिज्म के बाद अपने आप को बनाना, अपने आप को प्रूव करना, और फिर वो अपने साथ आसिफ और फहीम को, हालांकि फहीम और आसिफ बहुत तेज़ नहीं खेल रहे होते, लेकिन आज़म इतना ज़्यादा तेज़ खेल रहा होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि यू नो ये लोग सारे मिलकर खेल रहे हैं, बट इट्स इंडिविजुअल, वो इतना ज़्यादा तेज़ खेल रहा होता है कि मेरे ख्याल में बाकियों की परफॉर्मेंस इतनी फील नहीं होती उसके आगे। फिर आपने बहुत अच्छी बात की, आज़म ने देखें मेहनत करके पहले फहीम का नाम होता था, आसिफ का, उन सबसे ऊपर आ गया, तो वही है ना कि आपने कितना अपने ऊपर काम किया, फिर आज़म को कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है। बहुत से प्लेयर्स को जो बाप फ्रीली लीग क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं जाने देते ना, तो आज़म जितना दुनिया भर में खेल रहा है उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, और फिर आप खेल खेल के बेहतर से बेहतर हो जाते हैं। आप फिटनेस के मसाइल पर जो भी बात करते हैं करते रहें, लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे 20 ओवर की क्रिकेट में हम यही देख रहे होते हैं कि मैच विनर कौन है, तो मैच विनर के तौर पे आ रहा है आज़म। और मुझे आज़म से बड़ी अच्छी एक चीज़ याद आई कि जब ये 2019 में क्वेटा ग्लैडिएटर में आए थे तो मुइन और नदीम उमर साहब बैठे हुए थे एक शो में, तो नदीम उमर साहब ने कहा कि जी मैं आपको बता दूँ, आप क्रिस गेल को भूल जाएंगे ऐसे छक्के, और मैं आपको बता रहा हूँ, मुइन हंसे, नहीं नहीं नदीम भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया थोड़ा, कह रहे नहीं नहीं मुइन मैं आपको बता रहा हूँ, और आप बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, ऑनेस्टली हम सब भी समझ रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं। सही। आज आप देखें 4 साल में पहले उनके साथ खेले, और बदकिस्मती ये है कि उन्हीं की टीम उससे मार पड़ गई और उन्होंने फायदा नहीं उठाया। सही। आप सोचें आप उसी तरह मार रहे हैं ना, वो PSL में आपके पाकिस्तान में कौन है उससे ज्यादा, बट आई टेल यू व्हाट, वो उसके लिए अच्छा हो गया, वरना आज़म अगर कॉन्स्टेंटली क्वेटा में रहता तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म रहता एज लॉन्ग एज मुइन वॉज इन दैट टीम, मोइन खान का भी उसी टीम में होना, और उसको मेरे ख्याल में वो प्रेशर में प्ले कर रहा होता। अब वो एज एन इंडिविजुअल प्ले कर रहा है, अपने लिए प्ले कर रहा है यू नो, और टीम के लिए प्ले कर रहा है, अपनी नाम को मोइन खान से अलग करने के लिए नहीं प्ले कर रहा, मेरे ख्याल में उसकी अब एक अलग आइडेंटिटी बन गई है। तो अगर उस लिहाज से देखें यू नो, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही होती हैं, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि वो लीग्स में खेल रहा है, डिफरेंट प्लेयर्स को खेल रहा है, डिफरेंट मुल्कों में जाके खेल रहा है, तो वो उसके लिए अच्छा है, मेरे ख्याल में ये भी उसके लिए अच्छा है। आपका जवाब मुझे लेना है, बट आई हैव टू गो क्विकली ऑन ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, तो मुझे फवाद साहब से इसका जवाब लेना है, दैट इट इज़ रियली गुड कि आज़म मेरे ख्याल में अच्छा हो गया, दैट ही हैज़ मूव टू इस्लामाबाद और एनी अदर टीम, ताकि वो क्वेटा से अलग हो और वो अपना इंडिविजुअल गेम खेले। लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो इससे पहले कि हम कल के मैचेस की रिपोर्ट देखें कि कल कौन सी टीम दो आमने सामने है, दारिस क्वेटा इस्लामाबाद, लेकिन स्टार्स थोड़े से जानेंगे अकबर ने क्या रिपोर्ट बनाई है उस पर जरा बात करेंगे, बट इससे पहले मैं बात कर रही थी अबाउट क्या बात कर रही थी, वैसे आज़म, यस वी वर टॉक अबाउट आज़म, बट आई रियली फॉरगॉट कि हम आज़म के बारे में क्या बात कर रहे थे इन दैट ब्रेक। एनीवेज, हम ये बात कर रहे थे कि किसी भी प्लेयर का उस टीम के अंदर आना, और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेटर हो जाता है जो आप बात कर रहे थे कि वो उसको और एक्सपोजर मिले। एक्सपोजर इज ऑलवेज गुड, यू गो टू फेल और नॉट, बट एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा जी। आप वही कह रही थी कि क्वेटा से जो उनका निकलना जो था वो बेहतर हुआ उनके लिए, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं था, हाँ उस टाइम था, अब नहीं है। अच्छा, अब हम इसलिए ये बात कह सकते हैं क्योंकि एक तो वो निकल गए और इस्लामाबाद से वो बहुत
सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी दुनिया में भी, इसलिए इस पर ये बात नहीं हो सकती कि अगर वो रहते तो क्या ठीक होता, लेकिन ऑब्वियसली निकल के तो अब वो तैयार हो गए हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो प्लेयर बनाता है ना उसको बड़ा क्रेडिट जाता है, और बदकिस्मती ये होती है कि प्लेयर जब बन जाए और वो आपके खिलाफ ही परफॉर्म कर रहा है और आप ही उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, ये बड़े अफसोस की बात होती है। और क्वेटा से आप देखें ना, साइम पे उन्होंने रिस्क लिया था, साइम पहला प्लेयर था, पूरी उसे PSL खिलाई, लेकिन आज साइम एक तरह से तैयार हो गया लेकिन उनके पास नहीं है। उस्मान खान नाम ये लेके आए, वो भी अब मुल्तान में है लेकिन अभी वो भी नहीं खिला रहे, लेकिन ये भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। और आज़म तो एक ऐसा मैच विनर के तौर पे आए कि जैसे तो रोज़ जब देखते होंगे क्वेटा वाले और कहते होंगे क्या कर दिया हमने, क्या गलती कर दी। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप प्लेयर बनाते हैं तो फिर उसे कोशिश करें ना जाए, जो लाहौर करता है, जाने दिया जो लाहौर करता है। आप देखिए लाहौर ने अपने प्लेयर नहीं जाने दिए, नहीं जाने दिए, यस यू राइट, प्लेयर नहीं जाने दिए, मुझे नहीं पता कैसे। दैट इज योर कॉन्फिडेंस ऑन योर प्लेयर, एंड आल्सो ये कि भाई अगर ये नहीं चलेगा तो हमारे पास बाकी प्लेयर्स भी हैं, कोई बात नहीं वो चल जाएंगे। सो मेरे ख्याल में वो जो कॉन्फिडेंस आप अपनी टीम के प्लेयर्स को देते हैं, फिर टीम भी आपको एक एक प्लेयर एज एन इंडिविजुअल विद द टीम आपको वो रिस्पॉन्ड करता है। वेल, यहाँ पर देख लेते हैं कल के मैच की रिपोर्ट और फिर वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे। तो जनाब अब ये है, अब देखना ये है कि कल क्वेटा को ऐसा क्या करना होगा दैट दे आर एबल टू टेक इस्लामाबादी बैटर्स, स्पेशली आज़म के ऊपर खास काम करके आएंगे अलोंग विद दिल्ली। तो काम करके आएंगे और सोचें अब उनके वालिद क्या होगा कि अपने बेटे के खिलाफ स्ट्रेटजी प्लान करनी हो, क्योंकि उनकी जॉब है ये कि आज़म को किस तरह रोकना है। प्लान सारा टीम जो बनाएगी उसमें मुइन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, और देखें आज़म रुकते हैं या नहीं रुकते ये भी ज़रा देखना है। मुझे लगता है उमेर यूसुफ का कल डेब्यू होगा, और उमेर यूसुफ उम्मीद यही है कि जैसे बाकी डोमेस्टिक के जितने परफॉर्मर थे उसी तरह से वो भी परफॉर्म करेंगे। बिस्मिल्ला ने बड़ा अच्छा खेला, उसके बाद साइम ने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, रिन्याजी भी अच्छा खेल रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि इन्हें भी कल अपॉर्चुनिटी उमेर यूसुफ को मिलेगी और वो भी एक अच्छा एक इम्पैक्ट डाल के जाएंगे। But who do you think is the favorite for tomorrow? आप इस्लामाबाद के कसीदे पढ़ रही है, कसीदे पढ़ रही हैं, उनके लिबास पहन के आई हुई हैं आप, और आप इस्लामाबाद की सपोर्ट मुझे लग रहा है कर रही हैं। नहीं, टेक्निकली ऑन पेपर दे जब भी पॉइंट्स टेबल पर ही दे लुक सो बेटर, सो हाउ कैन आई नॉट टेक क्वेटा इस्लामाबाद ओवर क्वेटा? देखिए इस्लामाबाद ही फेवरेट है क्योंकि क्वेटा, यू नेवर नो, T20 में कुछ भी हो सकता है, बट बहुत मुश्किल है उसकी वजह कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्वेटा, और क्वेटा को कम से कम 180 तो करना पड़ेगा ना। सही, गप्टिल भी नहीं चल रहे, विल स्मिथ भी उस तरह से नहीं चले, रॉय है नहीं, आई डोंट नो कैसे होगा सारा कुछ, या तो उमेर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन फिर बॉलिंग में भी आप पे प्रेशर है तो आप उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हसन रंगा का ना आना बीच में, आपके पास है नहीं कोई इस तरह का स्पिनर, नवाज नहीं चल रहे, तो मैं तो इस्लामाबाद के साथ ही जाऊँगा, आप मुझे बताएं। Do I have an option? I'll take Quetta, but I hope obviously because I'm Islamabad player, I'll take Quetta. But मुझे ऐसा लगता है कि कल if they win the toss, they're going to ball first, they're not going to go for the bat, and they'll try to contain Islamabad. Well, अब आपको ये बता दें चलें कि दो नुमाइशी मैच होने हैं और हम इन एक्शन देखेंगे पाकिस्तान वेमेंस टीम को, बहुत सारी फॉरन वेमेंस टीम भी आ रही है, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, बात करेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जब प्लेयर्स आपको देखने में मिलेंगे, इससे जो है ना ख़वातीन प्लेयर्स जो अभी, मैं आज सुबह घर से निकल रही थी तो मैंने छोटी छोटी बच्चियाँ देखी और उनको मैंने, उनके हाथ में बल्ला था और उनके हाथ में बॉल था, एंड दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब से PSL वापस आया है, इसने सिर्फ लड़कों के अंदर गली क्रिकेट का दोबारा से नहीं जो ना जोश जगाया है, उसका इम्पैक्ट है। और मेरे ख्याल में अभी जो हमने लास्ट 100 भी देखा था, उसके बाद ये ज़्यादा जो है ना ट्रेंड करेगा ये चीज़, और मेरे ख्याल में फीमेल के अंदर ये होना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बच्चियों के स्कूल में और बच्चियों ने भी क्रिकेट शुरू कर दिया, मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ बच्चियाँ क्रिकेट खेल रही होती हैं कि भाई ज़बरदस्त, अब मुकाबला होगा मज़े का। ये सब हम करने जा रहे हैं, अच्छी चीज़ है मुझे लगता है, बट हमें स्टिल ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने स्टैंडर्ड को बेहतर करना है, क्योंकि जो बेंच है वो हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी तक कोई तंग नहीं कर रहा, जो लड़कियां पिछले 10 साल से खेल रही हैं, कोई पीछे उनके कोई बैकअप इतना तैयार नहीं है जो उनको
पुश करे या बाहर करे। अभी भी घूम फिर के हम उन्हीं लड़कियों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि नीचे काम नहीं हो रहा। जब तक ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होगा क्लब क्रिकेट पे बेहतरी नहीं आएगी। और साथ साथ मैं आपको बता दूं मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि आईपीएल भी हो रही है ख्वातीन की तो हम उस तरफ ज़रूर जाएं, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया। वो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को तंग कर रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतने के करीब हैं। अगर हम अपना स्टैंडर्ड ख्वातीन का बेहतर नहीं करेंगे ना तो आप कितनी लीग्स करा लें आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। और पीएसएल इसीलिए तंग होती है क्योंकि हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हमारी अच्छा क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर है। और मेरे ख्याल में पीएसएल की सबसे बेहतरीन बात जो बार बार हम कहते हैं कि इतने ज़बरदस्त बॉलर्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं और वो जो कलर है ना वो एक्सक्लूसिविटी है पीएसएल की जो आपको नज़र आती है। व्हाट वी हैव सीन विद टाइम इज़ के यू नो जब क्रिकेट स्टार्ट हुई थी वेमेंस क्रिकेट जब ओवरऑल आई थी तो सारी टीमें तकरीबन कमोबेश एक ही पेज पर थी, लेकिन बाकी टीमों ने बहुत काम कर लिया। इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। एंड वी हैव नॉट, और इवन और भी जो आपको देसी टीमें मिलेंगी ना आसपास की वो भी उन्होंने भी बहुत काम कर लिया। बट पाकिस्तान रियली हैज़ टू यू नो और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वेल इसके साथ ही हम होप ये करते हैं कि हमें ये नुमाइशी मैच देखें तो हम इन्जॉय करें और इससे और ज़्यादा जोश नज़र आए प्लेयर्स के अंदर। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पीसीबी का क्या रोल है इन प्लेयर्स को ऊपर लेकर आने में, उन्हें सपोर्ट करने में फाइनेंशियली, फिजिकली और उनकी ट्रेनिंग के अंदर क्या सपोर्ट किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जो औरतें यहाँ पर इस स्पोर्ट में आती हैं वो भी काम कर रही हैं, सो दे नीड दैट मनी सो दैट दे कैन सपोर्ट देयर फैमिली और बेफिक्री से यहाँ पर आकर काम कर सकते, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेल इसी पॉइंट पर मुझे अपने शो को करना है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी कल के मैच के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।